सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो था इस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड लेक्चर का, तो आपने देखा होगा। ओके, तो आज हम आर्ट एंड कल्चर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन थे, उनको कवर करेंगे। ओके, और साथ ही आज इस वीडियो के साथ हम आर्ट और कल्चर से रिलेटेड लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो आई होप आप लोग सभी लोग आंसर दोगे इसका, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो फिर से जाके देखेंगे। तो जल्दी से आज के क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। आज थोड़ा मैं जल्दी चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आपको ये कवर करवाना है पूरा। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा। ओके, नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। साथ ही कुछ और ये त्यौहार हैं जैसे कि कर्नाटक संस्कृत महोत्सव 2023 या श्रीलंका में मनाया जाता है, अथा चाम्यम उत्सव केरला में, मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में, और काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 जो कि नेपाल में मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा ये। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। आंसर दीजिए, आंसर देने की कम से कम कोशिश करो, चाहे गलत भले दो, क्योंकि आंसर देने से ही जब आप गलती करोगे तब आप, जब मैं बताऊंगा आंसर तो वो आंसर आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज़ नोएडा। ओके, नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और साथ ही याद रखिए इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट? चार ऑप्शन है, रामायण मंदिर सबसे बड़ा कहाँ पर बनाया जाएगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि रामायण हमारा बहुत ही पूजनीय ग्रंथ है। ओके, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर, आई होप आप लोगों ने आंसर दिया हो, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? चंपारण बिहार पे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और साथ ही मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग किया जाएगा, और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है, बताइए कौन से राज्य ने की है? एक मारा परियोजना, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? बताइए क्या रखा है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंगोल, सेंगोल दैट इज राजदंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि, और इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए कि अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में क्या राजदंड, दैट इज सेंगोल, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था, है ना? यह चोल वंश के समय से माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? युगे युगीन,
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से एक आंसर देने की कोशिश कीजिए। मन ही मन में सोच के बताइए, फिर तो मैं आंसर दूंगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। यह संग्रहालय न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, मतलब जो हमारे 5000 साल पहले था उस उन चीज़ों को इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, और जो लोग भी नए आएंगे इस वीडियो पे लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि ये सभी वीडियोस आप ही के लिए बनाई जाती हैं ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। ओके, तो अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। प्रीवियस वीडियोस में रिस्पांस नहीं मिल रहा तो वो भी दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ चिली। ओके, तो चिली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यह पेड़ पैटागोनिया सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है, याद रखें, और इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है, निक नेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला दिया गया, बताइए। जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर मौजो जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, गोवा के लघु कथा लेखक उपन्यासकार आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो, ओके, इन्हीं को 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, आंसर दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी खंडवा, सी मीरथल, डी उदयपुर। कहाँ पे स्थापित किया जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राखीगढ़ी हरियाणा। तो यह राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वही लिखा है ये जो मैंने आपको बता दिया, बताइए। यायातसो झील की जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आपको आंसर देना है कि यह झील यायातसो झील कहाँ का है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लद्दाख। ओके, तो यह लद्दाख की झील है जो कि 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी खूबसूरती के साथ पशु पक्षियों के लिए स्वर्ग रूप मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज की है, कहाँ पे की है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सिनिया द्वीप। ओके, यदि सिनिया द्वीप की बात करें तो यह खोज संयुक्त अरब यूएई में स्थित द्वीप पर की गई थी। ओके, जो कि दुबई से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ है। ओके, और मोती का शहर था। ओके, और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला
3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? ऑप्शन ए सांची, गुवाहाटी, त्रिशूर, आइजोल, कौन सी बनेगी? जल्दी से आंसर बताइए। तो यह सिटी जो बनेगी, आई होप आप सब लोग बढ़िया आंसर दे रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यह सांची मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज उत्तराखंड। मेरे स्टूडेंट्स और जो लोग भी नए स्टूडेंट्स आएंगे वो वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कम ऑन, गिव द लाइक, गिव द लाइक स्टूडेंट्स, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर। सो नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? बताइए, नया संसद जो पार्लियामेंट न्यू बनी है उसका उद्घाटन किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे इसके बारे में कि डिजाइन किसने किया था, तो SCP डिजाइन्स द्वारा यह डिजाइन किया गया। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। एंड आकार कैसा? त्रिकोणीय। मुख्य वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा जापान में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, याद रखिएगा हिरोशिमा जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का पुलित्जर प्राइज किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए। तो आपके हिंट के लिए थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि यह प्राइस शेयर किया गया दो लोगों के बीच में, तो अब तो आपसे बन गया होगा, तो आई होप आप सब लोगों ने आंसर दे लिया हो। तो बिल्कुल सही आंसर है सभी का, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। उपयुक्त दोनों बारबरा किंग सोलवर और हरनान डियाज को यह प्राइस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई नहीं, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? वैदिक तारामंडल कहाँ पे बनाया जाएगा? आंसर दीजिए। सो यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मायापुरी, वेस्ट बंगाल में यह वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि किस राज्य ने में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया? बताइए किस राज्य में 13वीं शताब्दी का हीरो स्टोन खोजा गया है? यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ कर्नाटका। तो यह कर्नाटका में खोजा गया, आई होप आप सब लोगों ने आंसर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? बर्लिन, टोक्यो, लंदन, मॉन्ट्रियल, कहाँ पे किया गया? जल्दी से बताइए आंसर। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दिया हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बर्लिन, जर्मनी में यह रेप्लिका ढूंढी गई है। ओके, है ना, यह रेप्लिका मिली है, मतलब सांची स्तूप की तरह ही है, वहाँ पे इसका अनावरण किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ग्यारहवीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जल्दी से बताइए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है? आंसर दीजिए। गिव द आंसर गाइस, कम ऑन फास्ट। तो यदि इसके आंसर की बात करते हैं हम तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, विल बी योर राइट आंसर, दैट इज़ हैदराबाद। तो यह हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी के याद में बनाई गई है, ओके, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे श्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है? बताइए, सबसे श्रेष्ठ स्थानों की सूची में। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ अहमदाबाद एंड केरला। आई होप आपको ये पता रहा होगा, यदि नहीं पता रहा होगा तो अब पता चल गया होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप सब लोगों ने आंसर दिया हो, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ उत्तराखंड। तो वह राज्य उत्तराखंड है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो आई होप आपने आंसर दिया हो। यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो न हमारे मोदी जी ने संत रविदास जी की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। तो विश्वनाथ घाट असम में है और वहीं को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया है? बताइए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह 18 अप्रैल को मनाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट किले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? बताइए, तो यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहाबाद हरियाणा में है यह, जहां से मिट्टी के बर्तन, महाभारतकालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद करिएगा इन्हें, और यदि नहीं होते तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं? तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ कर्नाटका। एंड यदि आपको यह सेशन रियली अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ओके, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विजन ज्ञान, ओके। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो पे, और साथ ही प्रीवियस वीडियो देखते रहा करो क्योंकि ये सब आपके लिए लाई जाती है। और जो टॉपिक भी आपको चाहिए हो रिवीजन के लिए, आप बेशक कमेंट्स पे बोल लिख सकते हैं, हम लोग वो टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, या तो मैं लाऊँगा या फिर रंजीत सर लाएंगे। तो थैंक यू गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।